मदे मुकाबले अपना ग्रुप जो है पीपीआई नजरियाती के नाम से इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कर चुका है। इसके बयान से जो है वो इलेक्शन कमीशन और इनके दरमियान कुछ ताने बाने जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं और बल्ला जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान था और रहेगा। हम हाई कोर्ट से रजू कर चुके हैं, जल्दी जुडिशियल साइड पे इंशाल्लाह केस टेकन होगा। ठीक है, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं तो खान साहब ने लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पिशावर हल्का NA-32 के लिए मुझे नामजद किया, लेकिन ये है कि मैंने अपने होम टाउन लखीमपुर से भी कागजात नामजदगी जो है नेशनल असेंबली के लिए जमा किए हुए हैं। तो बहरहाल जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं उसकी पासदारी करूँगा। जरा बताते हैं कि NA-32 का टिकट आपको नहीं मिलने वाले, आप अपने इलाके से लड़ेंगे तो इसमें कितनी सदाकत है? वो जो जराए हैं वो गलत बताते हैं क्योंकि अगर मैं चाहूं कि मैं NA-32 पे लड़ूंगा तो फिर मैं NA-32 पे लड़ सकता हूं, लेकिन मैं लोगों के साथ जिद नहीं करता हूं, पार्टी का फैसला होगा। तो जराए गलत है। अच्छा ये बताएं बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप क्या समझते हैं? मैंने कहा ना, देखिये बेड सिर्फ हाई कोर्ट तक तो महदूद नहीं है ना, हाई कोर्ट हमें रिलीफ देती है, गुड इनफ नहीं देती, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन है, 9 करोड़ लोगों की इलामत है, 9 करोड़ लोगों ने इस बेड को वोट देना है और ये 9 करोड़ लोगों के हक वोट की तवीन है कि आप उनको कहते हैं और इससे किसी को क्या तकलीफ है? सिर्फ एक तकलीफ है कि वोट वोटरों से ये निशान छीन के उनमें अफरा तफरी पैदा की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस में कमजोर किए जा रहे हैं। और ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन कहां से होंगे जब एक उनकी सबसे बड़ी पार्टी से आप उनको कहते ये निशानी हम आपसे ले रहे हैं। निशान जो है पार्टी का नहीं होता है बल्कि ये निशान वोटरों को शनाख्त में मदद देता है, तो लिहाजा उन वोटरों की न सुनवाई हुई है न कोई नोटिस हुआ है। आप उन वोटर से ये हक छीन रहे हैं कि जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उनका शनाख्ती अलामत जो है बैलेट पेपर पे ना हो। साइफर केस में तो जमानत मिल गई, दूसरे केसेस में खान साहब को मिल जाएगी? साइफर केस जो था ना इसका ढकोसला जो है बड़ा था और उसमें हवा भरी गई और यूं चूंकि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बेल खारिज की तो लिहाजा ये जरा इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस रिज्यूम कर दिया था। और जो दो रह गए तोशा खाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस, ये दोनों मामूली नबीयत की केसेज हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये बेल हाई कोर्ट में हो जाएगी।